Okay. हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? वो करता हूँ सब बड़े होंगे भाइयों। तो GT ऑनलाइन में बाइकर सीरीज़ चल रही है फ़िलहाल, और आज हम बाय करेंगे एक और बाइक, और शायद वो दूसरी धूम बाइक होगी हमारी। एक धूम बाइक हमने कर ली थी, तो आज दूसरी करते हैं। तो इसको मैं ज़रा मोटरसाइकिल पे कर दूँ और देखते हैं इसमें भाई। ये स्पाइडरमैन वाली भी कर ली थी, और ये नहीं यार, सारी गाड़ियाँ इसमें चॉपर ही हैं बस। ये देखो सारी चॉपर हैं। एक ही है बाटी, ये भी करेंगे भाई बाद में। ये रही भाई, ये रही डिंग का डबल टी, ये देखो है ना धूम बाइक। इसको ख़रीदते हैं, लुक तो इसकी है ज़बरदस्त। इसको भाई अजीब सा कलर बाय करेंगे, ग्रीन करते हैं। इसको अपने क्लब हाउस में ऑर्डर करेंगे। तो ये हो गई, और मैं क्लब हाउस से हूँ बहुत दूर, मैं दूसरे कोने में हूँ इस वक्त मैप के। तो ज़रा ऑपरेसर पे चलते हैं क्लब हाउस, और देखते हैं ऑपरेसर पहाड़ चढ़ने में कैसी है। ठीक है, आज इसकी ये टेस्टिंग करते हैं। और भाई ऑपरेसर पहाड़ों से नहीं टकराती, देखना अभी। ये देखो, ये नहीं टकराती बिल्कुल भी, कितने भी कोशिश कर लो इसको ठोकने की, ये ऊपर चढ़ेगी टकराएगी नहीं। देख रहे हो स्टाइल इसका। तो सबसे तेज़ जरिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये ओपरेसर ही है फ़िलहाल, तो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। ये जेट को भी फेल कर देती है भाई स्पीड के मामले में। बस फ़िलहाल अभी हम पहुंच ही गए, बस थोड़ा देर और ये आ जाएगा मेरा क्लब हाउस। और बाइक है भाई, उसमें 10 आएंगी टोटल, और कुछ दो हम पहले बाय कर चुके हैं, ये तीसरी, और दो मेरे पास पहले से खड़ी थी, उनको भी हम मॉडिफाई करेंगे वो अलग वीडियो में। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका सबको मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से अच्छा लुक देंगे सारी बाइकों को अब। और फिर इसके बाद भाई हम सारे प्लेन भी ख़रीदने वाले हैं, जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट जेट हेलीकॉप्टर जो भी फाइटर हैं सब लेंगे हम, वो अलग सीरीज़ आएगी एयरक्राफ्ट की। और ऑफ रोडिंग तो भाई है ही। ठीक है, तो सब कुछ देखो, सारी वीडियो हैं चैनल पे, और सब्सक्राइब करके रखो भाई चैनल। तो क्लब हाउस में देखते हैं आई है कि नई गाड़ी, अभी तक बहुत टाइम हो गया, अब तो आ जानी चाहिए। तो इधर देख लो भाई एक बार, ये मेरी शोटारो, वो मेरी धूम बाइक, और ये स्पाइडरमैन वाली बाइक, और ये भाई पिछले देखो, और ये दोनों मेरे पे पहले पड़ी थी, इनको बाद में मॉडिफाई करेंगे। फ़िलहाल गाड़ी आ गई हमारी, इन दोनों को बाद में मॉडिफाई करेंगे, ये मेरे पास पड़ी थी पहले ही। तो ये देखो ग्रीन कलर में, ओ लाइम ग्रीन में आई है भाई, इसको मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई क्या करते हैं भाई, 12,000 की ये बाइक थी, और मॉडिफिकेशन देखना इसकी लाखों में पहुंचेगी। 12,000 की सिर्फ ये बाइक थी, और देखो आर्मर इस पे 22,000 का लगेगा। तो ये रॉक स्टार लॉजिक हैं थोड़े, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसको भाई मैं कलर सोच रहा हूँ मैं इसका बदलू ही ना, ये लाइम ग्रीन इस पे जच रहा है पूरा, और मैं तो इस गेम में सबसे बेस्ट कलर मुझे लाइम ग्रीन ही लगता है, इसके अलावा कोई कलर नहीं। तो बाइकों में तो बहुत सारी भर भर के मॉडिफिकेशन होती है, और कुछ में तो रॉकस्टार ने भाई बिल्कुल नाइंसाफ़ी की हुई है, कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं दी हुई। तो भाई लाइम ग्रीन मेरा लॉक है देख लो, लेकिन मुझे इसमें लाइम ग्रीन मिल गया तो मैं क्यों बदलूँ भाई, इससे अच्छा मौका थोड़ी मिलेगा। फिर भी गाड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कोई और कलर जचेगा तो, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, फिर भी एक बार देखते हैं। रेस येलो है कुछ ठीक ठाक, बाकी तो डार्क कलर तो नहीं देने इसको। तो हो गए सारे ख़त्म, ये अनलॉक होता तो भाई ये दे देता मैं, लेकिन लॉक है। और इस पे पर्ल सेंट भी दे सकते हैं फ़िलहाल, तो मैं सोच रहा हूँ दूँ के ना दूँ इसको पर्ल सेंट, क्योंकि इसके ब्लैक ख़राब हो जाएगा, जो इसका सेकेंडरी कलर है ब्लैक।
एक बार सब ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे। तो वाइट तो फिर भी ठीक लगता है भाई, वाइट तो चल जाता है, तो यही ले लेते हैं। सेकेंडरी कलर इसका भाई क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ मैट ब्लैक कर दूँ। ठीक है ना, सही है। चलो भाई ये हो गया कलर इसका। अब आई बारी ट्रांसमिशन, टर्बो, सब पहियों की बारी आई भाई। पहिए देखते हैं जो इस पे जचते होंगे। वैसे कुछ खास पहिए तो है नहीं, गाड़ी के लुक खराब करने के लिए तो हैं खास पहिए इसमें। तो ये तड़कते भड़कते पहिए भाई इस गाड़ी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहे, तो मैं सोच रहा हूँ ये दे दूँ इसको, और फिर बैक को भी ये देंगे भाई। और क्या, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते ना, तो ऐसे ही करना पड़ता है। ये रे हो गए। अब भाई इनका कलर, कलर मेरे ख्याल ब्लैक कर देंगे। और भी हैं यार ऑप्शन, तो वाइट भी कर सकते हैं वैसे। एक बार देखते हैं ग्रीन कैसा लगेगा। येलो बर्ड पी ग्रीन है भाई, ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, और ये पी ग्रीन ठीक सही है। बाकी सब इस पे मैच नहीं हो रहा कोई ग्रीन, तो ले लिया भाई। टायर डिज़ाइन कस्टम, और टायर है ना बुलेट प्रूफ कर देंगे इनको हमेशा। और इसका स्मोक ग्रीन ही होगा, ले लो। हो गई फुल मॉडिफिकेशन कंप्लीट गाड़ी की, बस 12,000 की गाड़ी और भाई 12 लाख की मॉडिफिकेशन, ये हाल है रॉकस्टार में। इसको बाहर निकालते हैं भाई, इसकी धरती पे पैर टिकाते हैं इसके, देखते हैं भाग भी पाती है कि नाम से ही धूम भाई के बस। तो अब इसकी पहले चेक करो लुक, लुक के बाद दिखाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस, स्पीड, ब्रेक, हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ इसकी। गाड़ी की आवाज़ बड़ी अच्छी है भाई, ज़बरदस्त है गाड़ी की आवाज़। ठीक है अब इसको भगाते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके पहियों को कष्ट देते हैं। ओ व्हीली तो बड़ी ज़बरदस्त करती है गाड़ी। स्पीड में ज़रा ध्यान देना भाई, स्पीड कितनी है, 80, 100 और 100 से ऊपर तो भाई अभी तक तो गई नहीं, अब गई है 110। ठीक है भाई, 110 इसकी टॉप स्पीड है, बस उससे ऊपर तो ये गई नहीं, 120 के करीब है लेकिन 120 पे नहीं है। ठीक है तो ये इसकी स्पीड है, बहुत है भाई बाइक के लिए बहुत है। 12,000 में कोई 200 की स्पीड तो देगी नहीं गाड़ी, तो 120 से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और इसकी भी भाई ऑफ रोडिंग ठीक ठाक है, सस्पेंशन इसके ये देखो, अभी तक तो लड़खड़ाई नहीं भाई है कहीं भी, व्हीली वगैरह करती है। और ज़रा इसकी ब्रेकिंग देखेंगे, ब्रेकिंग में कुछ है कि नहीं है तेरा। तो भाई ले लो फिर ब्रेकिंग, देखो स्टॉप भी, देखो स्टॉप भी मारती है बाइक, और क्या चाहिए। ये देखो व्हीली और भाई स्टॉप भी, दोनों स्टंट बाइक बन गई है ये देखो तो ठीक है, ज़्यादा ही टेस्टिंग करा दी कुछ भी इसकी, बस हो गया, बस ये लास्ट थी बस। अब इसको अंदर करते हैं पार्क अपने, और बाकी बाइकों के साथ करते हैं इसको अंदर भाई साहब।
इसकी थोड़ी इंजन की आवाज़ थोड़ी अच्छी है, बाकी गाड़ियों से थोड़ी अलग आवाज़ है, इसलिए तो भाई ये छठी बाइक होगी है कलेक्शन में। और ये दो अभी मॉडिफाई नहीं की, इनको करेंगे, वीडियो डाल दूंगा मैं फिलहाल। और ये कलेक्शन बढ़ रही है, पूरी भर देंगे ना जब चमकेगा अलग ही है क्लब हाउस हमारा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।